साथ मेघा, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम बॉलीवुड फ्लैशबैक में। जैसा कि आप सब जानते हैं, बॉलीवुड की ये दुनिया, फिल्मी सितारों की ये दुनिया अपने आप में कई तरह के विवाद, कई तरह के रहस्य समेटे हुए हैं। वो विवाद जो समय गुजरने के साथ कम भले ही हो गए हों, लेकिन खत्म आज भी नहीं हुए। कॉन्ट्रोवर्सीज से भरी इस दुनिया में फ्लैशबैक बॉलीवुड प्रोग्राम में मैं आपके साथ मेघा चर्चा करने वाली हूं देओल परिवार पर। हेमेन धर्मेंद्र, उनकी दो पत्नियां और 6 बच्चे। धर्मेंद्र का परिवार अपने आप में सवालों से घिरा है और इन सवालों की शुरुआत 40 साल पहले उस वक्त हो गई थी जब अपनी पत्नी प्रकाश कौर को छोड़कर धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ शादी करने का फैसला लिया। अब इन सबके बीच कई तरह की बातें हेमा को सुननी पड़ी, लोगों के निशाने पर धर्मेंद्र आए और प्रकाश कौर के प्रति लोगों के मन में हमदर्दी की भावना पड़ी। जो रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करेंगे, उस रिपोर्ट में हेमा मालिनी का इंटरव्यू है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक शादीशुदा इंसान 4 बच्चों के पिता से शादी करना हेमा के लिए भी आसान नहीं था। पहले हेमा का परिवार इस शादी के लिए नहीं मान रहा था। जब परिवार माना तो समाज के लिहाज से इस शादी को अपना पाना कठिन था, लेकिन कठिनाइयों से लड़ते हुए धर्मेंद्र ने शादी कर ली प्रकाश कौर से। उसी तरह कठिनाइयों से लड़ते हुए धर्मेंद्र ने शादी हेमा मालिनी से कर ली। लेकिन इन सबके बीच में जब हेमा का इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने अपने जज्बात सबके सामने लाकर रख दिए। हेमा ने बताया कि धर्मेंद्र से शादी करने के बाद धर्मेंद्र के परिवार और धर्मेंद्र की पहली पत्नी संग उनका रिश्ता किस तरह का है। ड्रीम गर्ल क्या कुछ कह गई, सुनिए जरा। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपसे देओल परिवार के बारे में बात करेंगे। हेमा मालिनी, हेमेन धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के फ्लैशबैक सीक्वेंस पर हम आपको लेकर जाएंगे। जब धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर को छोड़कर हेमा मालिनी के साथ शादी कर ली थी, उस वक्त कई सारी बातें हेमा को सुननी पड़ी थी। हेमा मालिनी को समाज के ताने सुनने पड़े। हेमा को ये तक सुनना पड़ा कि वो घर तोड़ने वाली महिला हैं, और ये ताने सुनने के बीच में हेमा मालिनी का एक इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही। इस इंटरव्यू में उन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए। प्रकाश कौर संग अपने रिश्ते के बारे में बातें की। बता दे आपको, फिल्मी नगरी से आने पहले धर्म जी ने प्रकाश कौर के साथ अपनी जिंदगी में काफी सपने संजो लिए थे। प्रकाश कौर से उनकी शादी हो चुकी थी, वो 4 बच्चों के पिता थे। फिल्मी पर्दे पर हेमा मालिनी के साथ रोमांस करते करते धर्मेंद्र ने हेमा से शादी करनी चाही, प्रकाश कौर को तलाक देने के लिए कहा, लेकिन प्रकाश कौर ने धर्म जी को तलाक नहीं दिया। आपसी सहमति से धर्मेंद्र ने, दावा किया जाता है कि, इस्लाम का सहारा लिया और हेमा मालिनी को अपनी दूसरी पत्नी बनाया। हैरानी होगी आपको जानकर कि 40 साल धर्मेंद्र और हेमा की शादी को हो चुके हैं, लेकिन आज तक ये धर्मेंद्र हेमा मालिनी को अपने घर लेकर नहीं गए हैं। आज तक अपने ससुराल में हेमा का गृह प्रवेश नहीं हुआ और इस बात का खुलासा राम कमल मुखर्जी की किताब हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में किया गया। इस किताब के मुताबिक शादी से पहले हेमा मालिनी प्रकाश कौर से कई बार मिली हैं, यानी जब धर्मेंद्र और हेमा की शादी नहीं हुई थी उस वक्त पर प्रकाश कौर के साथ हेमा मालिनी का मिलना जुलना, हेमा मालिनी का बातचीत करना काफी ज्यादा आम था। लेकिन जब धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की शादी से हटकर प्रकाश कौर की जगह उनकी जिंदगी में हेमा ने ले ली, तब से लेकर अब तक प्रकाश कौर और हेमा मालिनी का सामना आज तक नहीं हुआ। हेमा खुद कहती हैं कि धर्म जी ने
मेरे लिए और मेरी बेटियों के लिए जो कुछ भी किया है मैं उससे बहुत खुश हूँ। उन्होंने एक पिता की भूमिका बखूबी निभाई है। आज मैं काम करती हूँ, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने में सक्षम हूँ, क्योंकि मैंने जिंदगी को आर्ट और कल्चर से जोड़ लिया। मुझे लगता है अगर सिचुएशन इससे थोड़ी भी अलग होती तो मैं आज वहां ना होती जहां मैं हूँ। लोग अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि प्रकाश कौर के साथ हेमा मालिनी का संबंध कैसा है, प्रकाश कौर और हेमा मालिनी के रिश्ते आपस में कैसे हैं? और इस बारे में बात करती हुई हेमा कहती हैं, मैं प्रकाश कौर का पूरा सम्मान करती हूँ, भले ही मैं प्रकाश के बारे में बात नहीं करती लेकिन तहे दिल से मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ। मेरी बेटियां धर्म जी की फैमिली का पूरा सम्मान करती हैं। दुनिया मेरी जिंदगी के बारे में विस्तार से जानना चाहती है लेकिन ये दूसरों को बताने के लिए नहीं है, इससे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। हेमा मालिनी कहती हैं कि प्रकाश कौर से जब मैं मिली थी, प्रकाश कौर के पैर भी मैं छू चुकी हूँ। प्रकाश कौर से मेरा सामना कई दफा हुआ है, जब मैं घर से निकला करती थी कई बार प्रकाश कौर से टकराई हूँ, लेकिन ये उस दौर की बात है जब धर्म जी के साथ मेरी शादी नहीं हुई थी। धर्म जी से शादी के बाद प्रकाश कौर और मेरे बीच किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन सम्मान का रिश्ता हम दोनों के बीच है। हेमा जी बताती हैं कि धर्म जी की माँ सतवंत कौर एक बहुत ही अच्छी महिला है। भले ही हेमा मालिनी आज तक अपने ससुराल नहीं गई लेकिन सास सतवंत हेमा से मिलने खुद ही जुहू के एक डबिंग स्टूडियो में आई। हेमा मालिनी को आशीर्वाद दिया था सासू माँ ने और कहा था कि मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई, मैं चाहूंगी कि तुम हमेशा इसी तरह खुश रहो। इस किताब में बताती हैं हेमा मालिनी कि धर्मेंद्र के पिता केवल कृष्ण सिंह देओल हेमा और उनकी फैमिली को बहुत पसंद करते थे। हेमा बताती हैं कृष्ण सिंह देओल अक्सर चाय पर पिता और भाई से मिला करते थे, इस दौरान पंजे लड़ाया करते थे और हारने के बाद कहते थे तुम लोग घी मक्खन लस्सी खाओ, इडली और सांभर से ताकत नहीं मिलेगी। बता दे आपको, हेमा अपनी बेटियों के साथ जुहू में रहती हैं, प्रकाश अपने बच्चों के साथ अलग रहती हैं। हेमा एंड धर्मेंद्र की जिंदगी के ये दो पहलू आज भी सबसे ज्यादा चर्चित कहे जाते हैं, क्योंकि इस चर्चित पहलुओं के बीच कई सारे विवाद हैं जो गुजरते हुए समय के साथ भी कभी नहीं सुलझे। यानी पहले तक जिस प्रकाश कौर के साथ हेमा का रिश्ता सामान्य था, मुलाकात होती थी, दो बात होती थी, शादी के बाद वो सब पूर्ण रूप से खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। देओल परिवार की सबसे खास बात है सम्मान। यहां किसके दिल में किसके लिए क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन सम्मान है जो हेमा के बच्चे और खुद हेमा बनाए रखती हैं, सम्मान है जो प्रकाश कौर के बच्चे और खुद प्रकाश कौर बनाए रखती हैं, और यही देओल परिवार की सबसे बड़ी ताकत है। इसी ताकत पर एक नजर डालते हैं अपनी रिपोर्ट के जरिए, देखिए जरा। हेमा धर्मेंद्र ने अपनी निजी जिंदगी को काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से संभाल कर रखा है। दो पत्नियां और 6 बच्चे सब अपनी अपनी जिंदगी में सेटल हैं, और सबसे खास बात ये है धर्मेंद्र की दोनों पत्नियां और 6 बच्चे आज तक एक दूजे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए कभी नजर नहीं आए। जी हाँ, हेमा ने जिस तरह से प्रकाश कौर का सम्मान किया, प्रकाश कौर ने भी हेमा का सम्मान किया। सनी बॉबी ईशा आहाना का सम्मान करते हैं और ईशा आहाना सनी बॉबी का सम्मान करती हैं, और आज देओल परिवार के रिश्ते कुछ इस तरह के हो गए हैं कि सनी देओल सार्वजनिक तौर पर बहन के बारे में चर्चा भी करते हैं, और हेमा धर्मेंद्र की बेटी ईशा अपने भाई सनी का जिक्र भी सबके सामने बिना किसी हेजिटेशन के कर देती हैं। यानी अब ये सब यूज्ड टू हो चुके हैं, अब इन सबको पता चल गया है कि असल में इन्हें जिंदगी से क्या चाहिए, असल में इन्हें जिंदगी में करना क्या है, जो अपने आप में एक बहुत ही खास बात है।
बनते बिगड़ते रिश्तों की कश्मकश में धर्मेंद्र के पारिवारिक रिश्ते पूरी तरह से सुलझ चुके हैं। शायद इसी वजह से इस परिवार की एकजुटता इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और इसे कोई नहीं नकार सकता। सो दोस्तों, आज के लिए फ्लैशबैक बॉलीवुड में इतना ही। एक फ्लैशबैक इंटरव्यू से हमने आपको रूबरू करवाया। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। दे दीजिए मुझे इजाजत। जुड़े रहिए हमारे साथ, रहिए अपडेटेड।